शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मेरी इजाजत के बिना अगर तुमने किसी को सफाई दी तो तुम कुछ भी बोलने के लायक नहीं रहोगे। आज से तुम्हारी जिंदगी मेरे हिसाब से चलेगी। तुम वही करोगे, वही कहोगे जो मैं तुम्हें कहूंगी। तुम पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, समझे तुम? देख के नहीं चल सकती आप? हम तो देखकर ही चल रहे हैं ननन जी, लेकिन लगता है आजकल आपकी नजरें और कहीं मंडरा रही हैं। Dare not। मेरे पापा के पैसों पर पल रही हूं और मुझे एटीट्यूड दिखा रही हैं आप? आपके पापा हमारे ससुर भी हैं और जितना हक आपका है ना उनके पैसों पर, उतना ही हक हमारा भी है। हक? Really? आपका और आपके निकम्मे पति का हक तो आपकी अपनी जिंदगी में नहीं है। तो मेरे पापा के पैसे तो दूर की बात है। लड़ी चीप स्टॉक। चीप और निकम्मे ही सही, कम से कम हम अपने ससुराल में तो हैं। आपकी तरह तो नहीं जो अपने पति को छोड़ के अपने बच्चे को लेकर अपने ही माँ बाप के छाती पर मूंग दल रहे हैं। बड़ी बढ़िया सुर्ख आपकी राजकुमारी, दुनिया को तो ऐसे अपना नौकर समझती है जैसे बाप की जायदाद हो। पति को भी जूते की नोक पर रखती होगी, इसीलिए छोड़कर भाग गया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जाओ यहां से। बस हैसियत से ज्यादा लंबी जबान अक्सर फांसी का फंदा बन जाती है। तो अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है ना, तो अपनी जबान पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि अगर मेरी जबान खुल गई तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो चुपचाप यहां से चले जाइए और अपने निकम्मे पति को संभालिए। अरे निकम्मा ही सही, लेकिन कम से कम हमारा पति है तो। और आपके पति का क्या, उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। इतनी बड़ी लॉन्च पार्टी दे रही हैं आप अपनी, सर एक बार चारों तरफ नजर डालकर देखिए, क्या कोई एक कंधा भी ऐसा है जिसे आप अपना कह सकती है, जिसके साथ आप अपनी खुशी बांट सकती है? जब आपका 6 साल का बेटा आपको नहीं झेल सकता तो पति क्या खाक बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल चुप। इसके आगे अगर एक और शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा भाभी। Now get out। क्यों, सच कड़वा लगा? एक खुशहाल और शादीशुदा को देखकर कुछ अच्छा नहीं लग रहा? जलन हो रही है? तुम
लिया तुमने। अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ वरना यही तुम्हारी इन्हीं हरकतों और इन्हीं बर्ताव की वजह से ना तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया। जी बहुत गुस्सा हो गया हमसे, पर उन्हें गले लगाने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था, वरना ये हंटर मैडम जी को लग जाती। मैडम आप ठीक है? माफ कीजिएगा भाभी, पर छोटा मुंह बड़ी बात कहने जा रहे हैं। घर की बात घर में ही रहे तो परिवार की इज्जत बनी रहती है। घर के किसी इंसान को सबके सामने जलील करने में कोई महानता नहीं है। अगर घर में किसी के रिश्ते कमजोर हैं तो हमें उसका सहारा बनना चाहिए, क्यों समाज के सामने उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मजबूत इंसान बात बात पर जज्बाती नहीं होते हैं। आपको अपनी भावनाओं को अपनी ताकत बनाना चाहिए, कमजोरी नहीं। बीता हुआ कल आपके आज की ताकत होनी चाहिए, पांव की बेड़ियां नहीं। गौरव तुम ठीक हो? जी हम ठीक है। श्रेया ने आज हद पार कर दी और मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसने मुझसे पंगा लिया है ना, तो सजा तो उसे मिलकर रहेगी। सब संभालिए अपने आप को। हाँ बेबी तू रेस्ट कर, पर हम सब भी निकल रहे हैं। और गौरव तुम बहुत अच्छे इंसान हो, अपनी ही अच्छाई को कभी खोना मत। ये जानते हुए भी तुम्हें चोट लगेगी, तुमने उर्वशी को बचाया। हमारे लिए किसी का मुश्किल में साथ देना इंसानियत है त्रिशा मैडम। मैडम हम आपको आपके कमरे में छोड़ देते हैं, चलिए। गौरव सिर्फ हमारा दोस्त ही नहीं, हमारा पति भी है। अरे अगर उसे सही गलत हम ना ही बताएंगे तो कौन बताएगा? और ये गौरव भी ना, शहर आकर थोड़ा बहुत बदल गया है ये, पता नहीं का हो गया है, बड़ा साहब बन रहा है यहाँ। अरे बड़े बड़े सपने, पैसे, ये सब तो ठीक था, लेकिन इस शहर की अयासी में हम उसे पढ़ने ना ही देंगे। नहीं, माई के संस्कारों पर पानी ना ही फिरने देंगे। अरे अरे झुमकी, का हुआ झुमकी? हम इतने इयर से उर्वशी मैडम के आगे पीछे घूम रहे, उनका इतना सारा वर्क कर रहे, फिर भी उन्होंने टुडे हमें पार्टी में नहीं बुलाया। हमको हमेशा नौकरों जैसा ट्रीट किया। वो कल का आया ड्राइवर, उसे मॉडल बना दिया। झुमकी कोनो बात नहीं, वो गौरव की वजह से ही तो उर्वशी मैम साहब को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो उका वो थोड़ी बहुत तो अहमियत देंगे ही ना। गले लगा के अहमियत देंगी? कल तक तो उर्वशी मैडम नौकरों से हाथ तक
पी मिलाती थी और अब आप वो ड्राइवर से लिपट चिपक के उसकी वैल्यू बता रही हैं। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।